मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऊर्जा स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 महामारी के कारण आपका 30% कोर्स जो है लेस किया गया है यूपी बोर्ड में। तो आज मैं वही आपको बताने चल रही हूँ कि क्या क्या कोर्स आपका कम किया गया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यूपी बोर्ड शैक्षिक सत्र 2020-21, कहने का मतलब यह है कि 2020-21 में आपका जो कोर्स कम किया गया है वही मैं आपको बताने चल रही हूँ। यहाँ पर देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। ये है आपको इंग्लिश बताएंगे, क्लास 10th इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंक होगा तथा समय 3 घंटे होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित है, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। यहाँ पर ये बताया गया, जैसा कि आप उनको पहले से ही पता है कि 70 नंबर का आपका केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा और टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। आंतरिक मूल्यांकन जो आपका विद्यालय स्तर पर होता है वो 30 अंक का होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि प्रोज में हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं। प्रोज जो है वो हमारा 16 मार्क्स का होगा। यहाँ पर ये आप लोग ध्यान से देखिए, मार्क्स भी डिवाइड कर दिए गए हैं कि किस पोर्शन को कितने मार्क्स दिए जाएंगे। प्रोज में आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं आपको पढ़ने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द एन्चेंटेड पूल, ये बाई सी राजगोपालाचारी, द एन्चेंटेड पूल आपको पढ़ना होगा, जो कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड टॉपिक इज अ लेटर टू गॉड, इसको लिखा है बाई जी एल फ्यूल्स ने, ये भी आपको पढ़ना है। थर्ड इज द गंगा, ये लिखा गया है बाई पीटी जेएल नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, ये भी आपको पढ़ना होगा। फोर्थ इज सुकरात, ये लिखा गया है बाई रोदा पावर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है। प्रोज में आपको यही 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ये 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लीमेंट्री, यहाँ पर अब आप देखिए सप्लीमेंट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सप्लीमेंट्री में है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। और सप्लीमेंट्री में आप लोग एक चीज ये देख लीजिए, ये आपका 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता एडॉप्टेड। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान ये देंगे कि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा यहाँ पर पोएट्री होगा, ठीक है। पोएट्री में इसके पहले आपने देखा कि हमने आपको प्रोज सप्लीमेंट्री ये बता दिया, अब यहाँ पर मैं आपको पोएट्री बताने चल रही हूँ। पोएट्री जो हमारा होगा 7 मार्क्स का होगा, और इसमें जो हमारी फर्स्ट पोएम है वो होगी द फाउंटेन, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, बाय जेम्स रसेल लॉविन। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। सेकेंड पोएम इज द पाम ऑफ लाइफ, ये लिखा गया है बाय एचबी लॉन्ग फेलो के द्वारा। थर्ड पोएम इज द विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। यहाँ पर आपने देखा कि पोएट्री में आपको सिर्फ 3 पोएम करनी है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस पे आते हैं, जो हमारा सेकेंड होता है सेक्शन बी होता है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जिसमें हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कितने मार्क्स का है और क्या क्या इसमें दिया गया है। इसमें तो ज्यादा कुछ कम नहीं किया गया है क्योंकि कुछ भी हटाने लायक नहीं था, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पर ग्रामर है, तो मैं आपको ग्रामर ही बता रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर, ये हमारा 15 मार्क्स का है। देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान से करिएगा, 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर अच्छे से कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। आइए, फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेकेंड टॉपिक इज द सेंटेंस टाइप, थर्ड इज द वर्ब, वर्ब में आपको ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दोनों आपको पढ़ना होगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये भी आएंगे, और यहाँ पर आपका बी हैव टू, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी आपको देखना होगा, पढ़ना होगा। निगेटिव सेंटेंस, ये भी पढ़ना होगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये पढ़ना होगा। टेंस, फ्रेंड्स यहाँ पर ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, टेंस, क्योंकि अगर आपको टेंस आ जाता है तो ट्रांसलेशन और बहुत कुछ आप अपने आप से बना करके ट्रांसलेट करके कर लेंगे, तो ये वाला आप ध्यान से पढ़िएगा। टेंस, फॉर्म एंड यूज, ये सब आप लोग देखिएगा उसमें। यहाँ पर द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टर्स स्पीच, ये भी आएगा आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। वर्ड फॉर्मेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, ये भी आपको देखना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो हमारा सेकेंड सेक्शन है वो है ट्रांसलेशन का, इसमें ट्रांसलेशन आपका जो है 4 मार्क्स का होगा,
करना क्या होगा इसमें, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, से हिंदी से हमको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो थर्ड वाला है वो है कम्पोजिशन। कम्पोजिशन होगा और इसमें आपका बी वाला पार्ट होगा लेटर राइटिंग, सी वाला होगा कम्प्रीहेंशन। ठीक है, कम्पोजिशन हमारा जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। अब आइए देखिए कम्पोजिशन में भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट इज लॉन्ग कम्पोजिशन, सेकेंड इज कंट्रोल्ड कम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ये वाली पॉइंट, और ये 6 मार्क्स का है भी तो इम्पोर्टेंट भी है ये। नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ये आपका आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वैसे भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को। ये हमारा 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इज कम्प्रीहेंशन अनसीन, ये हमारा होगा 6 मार्क्स का। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपका जो कम्पोजिशन है यही आपका देखिए 6 मार्क्स प्लस 6 प्लस 4 इतने मार्क्स का टोटल हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको कम्पोजिशन वाले पार्ट को आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ये भी देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके हटाए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है हटाए गए टॉपिक्स। प्रोज में हमारा जो है टॉर्च बियरर्स बाई WM रायबर्न जी ने लिखा है, ये हटाया गया है। आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स बाई R श्रीनिवासन, ये भी हमारा रिमूव किया गया है, हटा दिया गया, इसको नहीं पढ़ना है आपको। तो प्रोज में आपने देखा कि हमारे 2 टॉपिक्स को हटाए गए हैं, जिनको हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट इज पोएट्री, इसमें हमारा जो हटाया गया है द नेशन बिल्डर्स, इसको किसने लिखा है बाई RW इमर्सन। ठीक है, तो पोएट्री में तो बस एक ही पोएम को हटाया गया है। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री रीडर, यहाँ पर भी बस एक ही टॉपिक को हटाया गया है द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ठीक है, बाई जैसे ओन्स के द्वारा लिखा गया है। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं आएगा, वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि क्या क्या हटाया गया है। फ्रेंड्स, हम आपको ओझा स्मार्ट क्लासेस में ही टेंस पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे आप देखेंगे आपको हम इसी चैनल पर और भी सब्जेक्ट में बताएंगे यूपी बोर्ड में कि क्या क्या टॉपिक्स आपके कम किए गए हैं और क्या क्या पढ़ाना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे और सब्जेक्ट देखने के लिए आप लोग कंटिन्यू चैनल पर रहिए। थैंक यू।